जय हिंद साथियों। तो आज एसएससी जीडी सम्मान समारोह में हमारे साथ एक और विद्यार्थी जुड़ चुके हैं और देखो ये अपना प्राइज जो है वो लेकर के अपने साथ आए हुए हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि इनका नाम क्या है ना, और आप प्राइज देख सकते हैं, प्राइज इनके हाथ में है। पहले हम इनका नाम जानेंगे, इनकी स्ट्रेटेजी जानेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी की थी। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम हिमांशु सिंह है और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ और मैंने बीएससी पास आउट हूँ। मैं साथ में मैंने आईटीआई भी की है और मैं 12th में पीसीएम से पास आउट हूँ। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से मतलब आपने एजुकेशन अपनी जो ली है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो पढ़ाई की स्ट्रेटेजी थी, मतलब जो आपने एग्ज़ाम्स क्लियर किए कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी, कि आप सुबह में कितने घंटे पढ़ते थे या दोपहर में या शाम में, और अपना जो समय था मतलब सिर्फ पढ़ाई से अलग जो समय था उस समय को कैसे निकाल पाते थे दूसरी चीज़ के लिए? एक्चुअली सर मेरा स्टार्टिंग टाइम 6 बजे से, मैं 6 बजे से पढ़ाई स्टार्ट होती मेरी, 6 बजे से लेकर 8 बजे से करंट अफेयर, उसके बाद 15 मिनट का गैप, उसके बाद 8:30 बजे के आसपास स्टार्ट करता मैथ, जो सर की क्लास होती थी उसको मैं कवर करता था। क्लास कभी ऑनलाइन, कभी मैं क्लास होने के बाद लेता था उसको। ठीक है, उसके बाद सर मैं क्लास जीके की क्लास, मैं मैथ के बाद मैं रीजनिंग क्लास लेता था, उसके बाद से जीके क्लास लेता था मैं। बाकी हर 2 घंटे बाद सर 15 मिनट का गैप लेता था ताकि माइंड थोड़ा फ्रेश रहे, जिससे एंजाइटी फील ना हो, स्ट्रेस ना रहे दिमाग में कि हमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तो टोटल मतलब एक दिन में 8 से 10 घंटे की आप पढ़ाई करते थे? 10 से 12 घंटे के बीच रहता मेरा एवरेज। जीडी के अलावा कोई और एग्जाम जो आपने क्वालिफाई किया अभी? मैंने हरियाणा पुलिस एग्जाम क्वालिफाई किया है सर, एनटीपीसी टायर 1 और टायर 2 भी क्वालिफाई किया है, दिल्ली पुलिस भी क्वालिफाई किया है सर, और एसएसजीडी क्वालिफाई किया है। बहुत बढ़िया, तो इसमें एग्जामों ने आपकी कैसे मदद की, मतलब किस तरह से एग्जामों ने आपकी मदद की तैयारी में? मैं विवेक सर का थैंक यू देना चाहूँगा क्योंकि सर मैं उनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, वो पहले किसी और चैनल के साथ पढ़ाते थे, मैं उनको वहाँ से जानता हूँ। यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई थी 2018 में, तभी भी उन्होंने दूसरे चैनल में पढ़ाया था, उसके बाद उन्होंने एग्जाम प्रोसेस स्टार्ट किया, तो मैं स्टार्टिंग से भी उनके साथ हूँ। मेनली हिंदी और जीके के लिए उन्होंने मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी बच्चों को अच्छी तरह समझ में आता है क्योंकि वो डीपली पढ़ाते हैं थोड़ा, और आजकल एग्जाम जो एसएससी पैटर्न्स हैं और जो स्टेट एग्जाम वो डीपली ही पूछते हैं मेनली एग्जाम में। मतलब वही चीज़ आती है कि जीके और जीए का जो पोर्शन है, अब कुछ डांस फॉर्म ऐसे पूछते हैं जो बहुत डीपली होते हैं, तो मतलब वो आपको विवेक सर की क्लासेस में बिल्कुल देखने के लिए मिलते थे कि मतलब ऐसे क्वेश्चंस फंसेंगे? मेनली आजकल एसएससी का जो पैटर्न चेंज हुआ वो आर्ट एंड कल्चर है। मेनली अगर 25 क्वेश्चन है तो मतलब 5 से 6 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर, और उसके जो इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग जो अच्छे अच्छे प्रोमिनेंट सिंगर्स हैं उनके नाम पूछते हैं, तो सर ने स्पेशली उनकी क्लास लेकर, स्पेशली विवेक एक्सप्रेस एक नाम की क्लास सर कराते थे, हाँ जी सर, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सब कुछ कवर करवाया था उसमें। हाँ सर, और उसमें से काफी क्वेश्चन पेपर में स्ट्रेट वाइज मिलते थे मैं देखने को। अरे बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा लगा। तो अब जीडी के बाद आगे क्या मतलब क्या टारगेट है, मतलब इसके बाद क्या टारगेट है, और आज जैसे आप एग्जामपुर के सम्मान समारोह में आए तो आपको कैसा लगा, और ये घर जाके आप कैसे बताएंगे या दोस्तों को कैसे बताएंगे, आपको कैसा फील आया? सर ये दिन मुझे शायद लगता है आखिर टाइम तक याद रहेगा जो मैं यहाँ पर आया हूँ। मेनली मेरा फोकस एसएससी सीपीयू है जिसमें मेरा एग्जाम अभी 10 नवंबर को हुआ है, उसमें स्कोर भी काफ़ी अच्छा है, तो अब मुझे रनिंग के साथ मेंस की तैयारी करनी है इंग्लिश की। रनिंग के साथ आपको मेंस इंग्लिश की तैयारी करनी है, स्कोर भी ठीक है सर। तो आज के सम्मान समारोह में आपको कैसा लगा एक बार मतलब खुल के आराम से अब अपने शब्दों में बता सकते हैं, आपके शब्दों में कोई रोक नहीं? सर पहली बार ऐसा हुआ जब मैं स्टेज पर चढ़ा था, इससे पहले कभी नर्वसनेस फील हो रही थी, पर यहाँ का एनवायरनमेंट देख के काफ़ी अच्छा लगा, फैकल्टीज बहुत सपोर्टिव है क्योंकि बच्चों के साथ उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है पढ़ाने में भी, और आज भी सर आज का फंक्शन बहुत ही यादगार रहेगा मेरे लिए हमेशा के लिए। बढ़िया, तो अपने दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे, एग्जामपुर से किस तरह तैयारी कर सकते हैं? सर एग्जामपुर बेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन लर्निंग के लिए, अगर आप यहाँ से अगर एक साल या 8 महीने अच्छे से तैयारी करते हैं बहुत ही डेडिकेशन के साथ, तो श्योरली आपका एक तो मैक्स मिनिमम बता रहा हूँ मैं, कम से कम 2 से 3 एग्जाम क्रैक कर सकता है एक साल के अंदर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बच्चों को बताने के लिए कि किस तरह तैयारी की जा सकती है। तो आखिरी मतलब जाते जाते एक बार और बच्चों को बता दीजिएगा कि एग्जामपुर एप्लीकेशन पे जैसे आपने तैयारी की होगी, सो उससे जो PDF है या DPP है, तो उसमें और किताबों में जो फर्क है बुक्स में और DPP में, वो फर्क कैसे आपने मतलब महसूस किया? बुक्स में पैटर्न वाइज बहुत ही जो भी दे रखा होता है थोड़ा कंटेंट कम होता है, बट PDF जो एग्जाम्पल प्रोवाइड कराता है उसमें एक क्वेश्चन को रिलेटेड लेकर के काफी ज्यादा कंटेंट नीचे दिया होता है, उससे रिलेटेड जो होता है, और एग्जाम में मेनली क्वेश्चन ना छोड़ के जो डीपली जो कंटेंट होता है उसके अंदर का वही पूछा जाता है जो कि एग्जाम्पल प्रोवाइड कराता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।